हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर आशीष सचान और आज हम डिस्कस करेंगे एक्लेशिया कार्डिया के बारे में। एक्लेशिया कार्डिया जनरली यंग और मिडिल एजेड लोगों में होता है, जिसमें इनको खाना निगलने में परेशानी होती है। इसके अलावा खाना खाने के बाद वॉमिटिंग्स आती हैं और चेस्ट पेन होता है। जैसा कि अभी मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें एक नॉर्मल फूड पाइप और स्टमक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर वो एरिया है जो फूड पाइप को स्टमक से कनेक्ट करता है। एक्लेशिया कार्डिया में लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एबनॉर्मल हो जाता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी टोन बढ़ जाती है और वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाता है। इन सब चीज़ों की वजह से एक नैरोइंग बन जाती है और पाइप और फूड पाइप जो है वो बड़ा होने लगता है, डाइलेट हो जाता है। लंबे समय तक फूड चेस्ट में रखा रहता है, नीचे नहीं पास कर पाता है, जिसके वजह से जो पेशेंट है उसे चेस्ट पेन होता है, वॉमिटिंग्स आती हैं, बैड ब्रेथ होती है और खाना निगलने में परेशानी होती है, यानी डिसफेजिया होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मसल टोन बढ़ गई है और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से फूड पाइप का और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। इसको डायग्नोज करने के लिए हम मैनोमेट्री कराते हैं और बेरियम स्वैलो कराते हैं। जनरली इन पेशेंट्स की एंडोस्कोपी में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है। ये एक एक्लेशिया कार्डिया पेशेंट का बेरियम स्वैलो है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसोफेगस कितना डायलेट हो गया है और फूड चेस्ट में ही है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, मैनोमेट्री में एक्लेशिया कार्डिया कन्फर्म हो जाता है। और क्योंकि इसमें मसल रिलैक्स नहीं कर पा रही है, तो इसलिए हमें सर्जरी करके उस मसल को, जो एबनॉर्मल मसल है, उसे कट करना पड़ता है, जिसको हम मायोटमी कहते हैं। और ये मसल को कट करने के बाद जो फूड पाइप जो नैरो हो रखा है वो खुल जाता है और नॉर्मली खाना जो है वो फूड पाइप के थ्रू पास कर पाता है। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है कि किस एरिया को हमें कट करना होता है, जिसके बाद जो फूड पाइप है वो खुल जाता है और फूड आसानी से आगे स्टमक में पास कर पाता है। ये एक डायग्राम है हेलर्स मायोटमी का, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से मसल को कट किया गया है और कैसे उसके थ्रू म्यूकोसा बाहर आ गई है और सारी नैरोइंग खुल गई है। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपको इससे रिलेटेड या ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई भी हमसे क्वेश्चंस पूछने हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।